ये टेस्टिस से ये बैक साइड में दिस इज द एपिडिडाइमस, दोनों एपिडिडाइमस से ये एक, इधर वाली से ये बासा डिफरेंस जा रही है। ये जो लीडिंग सेल्स हैं ये सिंथेसाइज करेंगे, सिक्रीट करेंगे टेस्टिकुलर यानी मेल सेक्स हॉर्मोन्स। ट्यूनिका एल्बुजिनिया बस ऐसा समझ लो एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, बीच बीच में इंटरस्टीशियल स्पेस है, यहाँ पे स्पर्म्स बने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ये जाल बना रेटे टेस्टिस, ये 10 से 12 बासा इफरेंशिया लीव्स द टेस्टिस एंटर इनटू एपिडिडाइमस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर देखो देखो ये है स्पर्मेटोगोनिया, इधर है स्पर्मेटोगोनिया और ये रहे सर्टोली सेल। एनसीईआरटी ओपन करो, देखो ध्यान से, हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, एनसीईआरटी ओपन हो गई, हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड में टू टाइप के सेल्स हैं, मेल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल में मियोसिस होगा, पहले माइटोसिस फिर मियोसिस, फाइनली बन जाएंगे स्पर्म। सर्टोली सेल न्यूट्रिशन देगा इन सारे जर्म सेल्स को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड जो रीजन है उसे बोलते हैं इंटरस्टीशियल स्पेस। इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, इंटरस्टीशियल या लीडिंग सेल्स हैं एंड अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स हैं। ये जो लीडिंग सेल्स हैं ये सिंथेसाइज करेंगे, सिक्रीट करेंगे टेस्टिकुलर यानी मेल सेक्स हॉर्मोन्स जिन्हें कहेंगे एंड्रोजन्स। एक एक वर्ड नोट करो, देखो सब मैं कोशिश करती हूं, अगर ये आपके पास आ जाएगा तो आप अपनी, ओ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। चलो देखो बेटा, ये रही फोरस्किन, ग्लांस, पेनिस और पेनिस। ये देखो ये साइड व्यू, अब अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये स्क्रॉटम के टू कंपार्टमेंट्स हैं, इनके अंदर दो टेस्टिस हैं, ये टेस्टिस से ये बैक साइड में दिस इज द एपिडिडाइमस, दोनों एपिडिडाइमस से ये एक, इधर वाली से ये वासा डिफरेंस जा रही है। ये ब्लैडर है, इधर ब्लैडर के पीछे सेमिनल वेसिकल है, ये आ गई अपनी वासा डिफरेंस, दोनों ने मिलकर बनाया इजैकुलेटरी डक्ट। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके नीचे दो छोटे छोटे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये यूरेथ्रा आया, यूरेथ्रा पेनिस के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ से भी दिखा देती हूं आपको, ये देखिए दोनों एंगल से आप देख सकते हैं इस तरह से। क्लियर है सबको, राइट, मजे आ रहे हैं? चलो आओ एक डायग्राम और दिखाती हूं। ये डायग्राम हमने कल देखा था, ये टेस्टिस है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, इसका इन्वेजिनेशन हुआ, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बने 215 ईच टेस्टिस, हर के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, बीच बीच में इंटरस्टीशियल स्पेस है, यहाँ पे स्पर्म्स बने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ये जाल बना रेटे टेस्टिस, ये 10 से 12 वासा इफरेंशिया लीव्स द टेस्टिस एंटर इनटू एपिडिडाइमस हाईली कॉइल्ड और यहां से निकला ये वासा डिफरेंस। देख सकते हैं आप, ये देखिए ये पीछे से देखोगे ऐसा दिख रहा है टेस्टिस, पर अंदर कट करके देखोगे तो ये सब कुछ दिख रहा है टेस्टिस के अंदर। चलिए एक डायग्राम और दिखाती हूं आपको, देखिए यहां पर ये देखो अच्छे से देखो, बिल्कुल आंखों में बसा लो, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये रहा रेटे टेस्टिस, ये वासा इफरेंशिया, ये लंबा 6 मीटर लंबा एपिडिडाइमस और ये जा रहा है वासा डिफरेंस। ये सारी ब्लड वेसल्स आ रही है बेटा टेस्टिस के अंदर, वही स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू आती है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया बस ऐसा समझ लो एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग। आइए अब इस डायग्राम को भी अपन देख लेते हैं। देखिए ओपन करो एनसीईआरटी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और ये जो बीच में है ये खून की नदियां नहीं बह रही हैं, ये इंटरस्टीशियल स्पेस है बेटा,
इसके अंदर लीडिंग सेल्स हैं, यानी इंटरस्टीशियल सेल्स हैं। ये सारा इंटरस्टीशियल स्पेस है, इसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, इसीलिए ऐसा लाल रंग का दिखाया है। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर देखो, देखो ये है स्पर्मेटोगोनिया, इधर है स्पर्मेटोगोनिया, और ये रहे सर्टोली सेल, लंबे वाले सर्टोली सेल। इसी स्पर्मेटोगोनिया से फाइनली आगे जाकर ऐसे स्पर्म बनेंगे, जिसे स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। हम सीखेंगे, हम आगे सीखेंगे। तो लेबलिंग अच्छे से आनी चाहिए, इंटरस्टीशियल सेल, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ एंड सर्टोली सेल। बेटा अच्छी बात यह है कि नीट के अंदर डायग्राम की लेबलिंग एग्जैक्ट एनसीईआरटी वाली आती है।